हमने इसीलिए सार्वजनिक रूप से फांसी से मृत्यु दंड देने का तात्पर्य ये है कि आप सबको पता चले जो हमारे विरुद्ध विद्रोह करेगा वो भाड़ में जाएगा। छोड़ो हमें, अरे कोई तो बचाओ, मेरे दादा को बचा दो, छोड़ो हमें जाने दो। अब सबके सामने बोल दो कि हमसे भूल हुई है, हमें क्षमा करो हुकुम, हम क्षमा कर देंगे। राजा दयालु हैं हम, बोलो। देख क्षमा मांग ले, मांग ले क्षमा, मांग ले। भाड़ में जा तू, तू और भाड़ में जाए तेरी क्षमा। भाड़ में तो जाएगा तू। मुक्ति दे दो इसे, छोड़ो। तड़प और तड़प, दादा छोड़ो हमें, छोड़ दो उन्हें, वो श्वास नहीं ले पाएंगे दादा, कोई तो बचा लो मेरे दादा को, दादा छोड़ो हमें, दादा सुंदर, अति सुंदर। आप सभी प्रिय प्रजाजनों से विनती है कि कोई भी यहां पर इनका अंतिम संस्कार नहीं करेगा। यदि किसी ने भी हमारी आज्ञा का पालन न करने का दुस्साहस किया तो समझ गए आप, या मैं समझाऊं? मैं समझाता हूं कि कोई इन्हें छुएगा नहीं। जलाल मोहम्मद से कह दो कि बूंदी में प्रताप नहीं है। दादा, अरे वो ढूंढा ढूंढा कितना विश्वास करता था तुम पर, और तुम हमारी आंखों के सामने उसे बंदी बना लिया गया। क्या बूंदी में कोई पुरुष नहीं है, कोई पुरुष नहीं है बूंदी में जो मेरे दादा को राक्षस से बचा सके? बोलो। प्रताप, आप घर जाइए रानी मां, हम आपके साथ नहीं चलेंगे। प्रताप, हम जानते हैं आप बहुत उद्विग्न हैं, आप एक राजपूत हैं और आपकी अंतरात्मा आपको धिक्कार रही है। हम समझ सकते हैं आपकी संवेदना, हमें भी दुख है, किंतु किंतु क्या रानी मां, आप फिर यहां हमें अपने विवश सा बताने आ गई?
विश्वास ही नहीं रहा आपकी किसी भी व्यवस्था पर। हम कोई व्यवस्था नहीं है रानी माँ, कोई व्यवस्था नहीं। ये आपका अंधा प्रेम है जिसने आपकी सोचने और समझने की शक्ति हर ली है रानी माँ। अंधा पुत्र प्रेम। रानी माँ, आप एक ऐसी माँ हुआ करती थी जिस पर हमें गर्व था। सभी योद्धाओं के गुण हमने आप ही से जाने थे। सभी शूरवीर और महान राजाओं की गाथाएं हमने आप ही से सुनी थी रानी माँ। सदा वैसा बनने का सपना हमने आपकी आंचल की छाव में अपने मन में सबसे पहले पाला था रानी माँ। और आपने आपने अचानक ये अपेक्षाएं बदल ली। बताइए रानी माँ, क्या चाहती हैं, क्या करें हम? रानी माँ, क्या हम भेड़ बकरी चलाएं? क्या हम खेती करना आरंभ कर दें? या फिर व्यापार करना आरंभ कर दें? बताइए रानी माँ, हमें पूरा विश्वास है कि आपके पास हमारे लिए कोई ना कोई अनूठी योजना तो होगी। बताइए रानी माँ, बताइए। हम जानते हैं रानी माँ कि आपके पास कोई उत्तर नहीं है। वहां बाहर एक साहसी पुण्यात्मा का शव पेड़ से लटक रहा है जिसका कोई अंतिम संस्कार तक नहीं कर पा रहा है। और हम यहाँ एक ऐसी संवेदनाहीन शिला से बार बार अपना सर फोड़ रहे हैं जिसमें अब कोई मानवीय भावना नहीं रही। संताल के शव को सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार मिले ये देखना तो राजपूत का धर्म है। तो फिर जाने दीजिए हमें रानी माँ, हमें कम से कम इतना तो करने दीजिए। हमें वो सभी शपथ, सभी सौगंध, सभी वचन याद है, हम उन्हें नहीं तोड़ेंगे। यही सुनना चाहती है ना? जीते जी तो हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाए, हमें इतना तो प्रायश्चित कर लेने दीजिए रानी माँ। रानी माँ, हमें उनका मृत्यु का अभिशाप बनने से बचा लीजिए। रानी माँ, बचा लीजिए हमें, बचा लीजिए रानी माँ। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। कृष्णा, जब तक तेरे पिता का शव किसी दस्य के शव के भांति इस पेड़ से लटकता रहेगा, जब तक इसका अंतिम संस्कार नहीं होगा, आत्मा को शक्ति नहीं मिली। अरे वो देखो, चला गया। चलो कहाँ गया था? शोभा चला गया। अरे यार, हमने सुल्तान मार देगा, हमें कहाँ चला गया? अरे वो देखो, पकड़ो पकड़ो पन्ना भाई, यह असंभव कार्य किसने किया? पर ये जो कोई भी है, ये हमारी सहायता कर रहा है। चलो उसका पीछा करते हैं। चलिए पन्ना दे। Oh.
जो भी था पन्ना दाई, पर वो एक सच्चा वीर था, सच्चा वीर था वो, सच्चा वीर था, दादा। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे दादा को सम्मानजनक उनके अंतिम संस्कार देने के लिए आपने दूध भेज दिया। विश्वास ही नहीं रहा आपकी किसी भी व्यवस्था पर। ये आपका अंधा प्रेम है जिसने आपकी सोचने और समझने की शक्ति हर ली है रानी मां। अंधा पुत्र प्रेम। इस समय कौन हो सकता है? इस समय यहाँ, आज हम यहाँ इस समय मेवाड़ की महारानी से मिलने नहीं आए, आज हम यहाँ एक माँ से मिलने आए हैं ताकि हम उसे पूछ सके कि उसका पुत्र क्यों अपने उत्तरदायित्व निभाने से मुंह फेर रहा है। ऐसी कौन सी शक्ति है जो उसके शुद्ध राजपूती रक्त को अन्याय के विरुद्ध उबलने से रोक रही है? कैसे? हमने प्रताप के साथ आपको देखा, आपने कैसे पहचान लिया कि वो? क्यों नहीं, हमने तो प्रताप को उसी समय पहचान लिया था जब हमने उसे पहली बार देखा। विनम्रता, साहस, संस्कार और बहादुरी जैसे गुणों से संपन्न भला उदय सिंह और जयवंताबाई का पुत्र नहीं होगा तो और कौन होगा? प्रताप, रुके रुके, हमें लगता है कि आप भी हमारे नाम को लेकर कुछ और ही सोचने लग गए हैं, परंतु सच ये है कि हम सेवक थे, उनके सेवक। हाँ पन्ना भाई, प्रताप के नैसर्गिक शौर्य को ग्रहण लगाने वाले दूसरा कोई नहीं, हम ही हैं। हमने ही उनसे वचन लिया था कि वे साधारण बने रहे, कभी कुछ असाधारण ना करें, कभी कभी किसी के लिए भी हथियार ना उठाए। हमें विश्वास नहीं हो रहा है, आप तो मेवाड़ की सबसे निर्भीक साहसी महारानी थी, फिर आपने कैसे ऐसी कायरता भरी शपथ ली अपने पुत्र से? क्योंकि हमें भय था हम सदा सदा के लिए अपने पुत्र को ना खो दे। हमें किसी ने चेतावनी दी थी पन्ना भाई कि जैसे ही प्रताप ने कभी कुछ असाधारण किया उनके प्राण ले लिए जाएंगे। हम डर गए थे पन्ना भाई, सचमुच हम डर गए थे कि हम प्रताप को खोना दें। हम उन्हें खोना नहीं चाहते थे। एक शूरवीर राजकुमार के जीवन का अर्थ ही क्या जो किसी का जीवन नहीं बचा सके? आप एक राजपुतानी होकर आपने ऐसा सोचा भी कैसे? आपको पता है उस रात मेवाड़ का भविष्य बचाने के लिए हमने अपने पुत्र का बलिदान दिया। उस निर्णय पे हमें आज तक कोई संदेह नहीं है। एक और हंसते हंसते हमने अपने पुत्र को राष्ट्र के हित के लिए मृत्यु के मुंह में झोंक दिया, और यहाँ आप अपने पुत्र को कर्तव्य करने से इसलिए रोक रही हैं क्योंकि आपके उसके मृत्यु का भय है?
बताइए, पुत्र प्रेम में आप इतनी स्वार्थी कैसे हो गई हैं? मुझे घोर पाप हुआ है पन्ना दाई, घोर पाप। पुत्र के प्राणों के मोह में हम भूल ही गए और सभी के दोषी हो गए। हमने सूरज को अपने आंचल में छुपा कर रखा था और भूल ही गए कि सूरज जैसे जैसे बढ़ेगा चारों ओर अपनी किरणें फैलाएगा। सूरज को कैसे कोई छुपा सकता है, वो तो बादलों को भी चीर कर चमक लेता है। ये साधारण सत्य ही नहीं समझ पाए हम अनादर। अब भी देर नहीं हुई महाराणी साहब, आप अपनी भूल को अभी भी सुधार सकती हैं। आज हम आपको अपने सभी बंधनों से मुक्त करते हैं। आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपको बचाने के प्रयास को सर्वोच्च महत्व देना हमारी भूल थी। आज हम आपके सामने अपनी भूल स्वीकार करते हैं प्रताप, क्योंकि आप पर मात्र हमारा ही अधिकार नहीं है, आप पर सबसे पहले मेवाड़ की प्रजा का अधिकार है। आप उन सबकी धरोहर हैं जो पीड़ित हैं, जो वंचित हैं, जिन पर अत्याचार हुए हैं, और वे सब जो मुक्ति के लिए आपको आशा से देखते हैं। त्याग दीजिए ये साधारण अस्त्र और पहन लीजिए युद्ध का भार, धारण कीजिए शस्त्र, क्योंकि यही आपका सच्चा परिचय है। प्रजा के प्रिय राजकुमार जो आप हैं, दीजिए। लिंजी के आशीर्वाद से ये तिलक अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक बन जाइए और निरे प्रजा पर अत्याचार करने वालों का नाश कर लीजिए। मत पूछिए इस शिव भूति को, अपने इस रूप को एक लिंग जी का आशीर्वाद मानिए। क्या पता एक लिंग जी स्वयं चाहते हैं कि आप अपना यह नया रूप लेकर दुष्टों का संहार करें।
विजय का।